मध्य प्रदेश ने पिछले सालों में विकास के जो अध्याय लिखे हैं उससे कई राज्य सीख ले रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि प्रदेश की विकास दर वर्तमान मूल्यों पर 19.7% तक पहुंच गई, जो देश में सर्वाधिक है, और सकल घरेलू उत्पाद 10 लाख करोड़ है। पूंजीगत व्यय भी 48,000 करोड़ हो गया है और प्रदेश सरकार ने स्थायी विकास और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। करीब 20 साल में प्रति व्यक्ति आय 13,000 से बढ़कर अब 1,23,000 रुपए हो गई है। औद्योगिक निवेश, मध्यम सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इसका उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ाना है। रोजगार मेलों का जरिए जो है अभी तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 10 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलाया गया है। बुनियादी सुविधाएं जैसे आवास, पानी, बिजली और सड़कों का विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक 33 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है। माफियाओं से 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई और साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता विकास दिवस कार्यक्रम में घोषणा की है कि माफियाओं से 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है और इस पर सुराज कॉलोनी बनाकर गरीबों को आवास दिलाए जाएंगे।